सरकार के साथ आपकी 11 बार बैठक हो चुकी है, उसके बीच में अभी तक इस चीज का कोई समाधान नहीं मिला? नहीं, सरकार के साथ तो सच्चे उस तो एक भी वार्ता सही नहीं हुई। मैं तो किसान के साथ में मजाक कर रहे, तो किसान भी इस बात को समझेगा भाई वाकई थारे साथ मजाक है, तो उन्होंने वार्ता करनी बंद कर दी। हम इतना ध्यान क्यों करें? ये जो 3 कृषि कानून है, इसमें आप बदलाव चाहते हैं या आप इनको वापिस ही लेना चाहते हैं? नहीं, वापसी की बात है, जब सरकार का ही तो लिया हुआ बनाया कानून है, किसान को नहीं पसंद है, नुकसान का सौदा है, और तो इसे वापसी कर लो। जब सरकार इतना खर्चा अपने आप भी कर रही है, किसानों को भी करवा रही, तो इन्हें क्या जरूरत है? जब किसान को नहीं पसंद है ये कानून, तो क्या जरूरत है? मैं तो नहीं फायदा है। जैसे सर आप नुकसान की बात कर रहे हैं, तो सरकार बिल में कह रही है कि जो जमीन गिरवी रखने की बात आ रही है, वो गिरवी रखने वाला कोई ऐसा कानून या प्रावधान नहीं है, पर बहुत सारे किसानों के मुंह से बात सुनने को आती है कि हमारी जमीनें गिरवी रख ली जाएंगी। तो किसान पता तो जमीन खिसक ली, सब किसान कर्ज बंद, या गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का कोई रेट नहीं बताया, बिजली के इतने हाई रेट हो गए, तो किसान क्या खेती कर लगा? बिल्कुल भी नहीं करो, किसान तो बर्बाद होगा। किसान तो आज खेती बहुत घाटे का सौदा है। ये कानून लो ना लो, हमें तो कुछ हुआ नहीं है, बातचीत ही ना फायदा देखता हो अपना, तो कानून वापसी ले लो, गन्ने का रेट है वो बता दो, बिजली का वो है, गेहूँ पे MSP जिसकी ज़्यादा वो है, जहाँ से इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जगह जगह की हर स्टेट की अलग अलग दिक्कत है, उत्तर प्रदेश की गन्ने की दिक्कत है, थोड़े से आगे चलो लखनऊ साइड में इससे पहले आलू की दिक्कत है, उससे पहले मेंथे की वो है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग दिक्कत है। हम लोग कह रहे किसान जिंदा रहे, कैसे जिंदा रहे, उनकी बातों का ध्यान चाह रहा है, किसानों के जो जहाँ के जो हालात है, जहाँ के जो हालात है, तो किसानों को नु महसूस हो गया तुम तो ठगे गए। तो पूरे देश का किसान आज इस संयुक्त मोर्चे की तरफ को निगाह है इनकी, इस पर वो है करोड़ों किसान आज संयुक्त मोर्चे की तरफ टकटकी निगाह तो देख रहे, हमारे भविष्य की बात है, भविष्य के बारे में ये संयुक्त मोर्चा सोच रहा, तो बात तो जो होगी संयुक्त मोर्चे तो होगी, इब यह बात बहुत आगे जा ली। यूपी की बात आती है तो वेस्टर्न यूपी के किसानों को ज़्यादा मोर्चे में शामिल होने की बात है? नहीं, चलो मैं दूर तो उनका खर्चा बैठे ज्यादा आने जाने में, ये खर्चे की वजह से, मतलब दूर से नहीं खर्चा कहाँ सा हुए, इब जब 50-60 हज़ार रुपये में, 70-70 हज़ार रुपये में बस आई, तो कितना खर्चा होगा। और संयुक्त मोर्चे में भी ऐसा ही है, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी है और है दर्शन पाल जी है, बलबीर जी है, मैं और काफ़ी है आदमी, तो हम तो कहीं है किसानों के साथ बातचीत करने, किसानों में फूट क्यों डाल ले, अगर भाई वेस्ट यूपी के, पश्चिम यूपी के, ये फुलाना ये ढिकड़ा, तो इस तरह की बात न करें। आज इसकी भाजपा की गिनती उल्टी शुरू होगी, ये इसके हाथों यूपी भी निकलेगी, 2024 में केंद्र भी निकल जाएगी। सर कहीं कहीं ये बात, ये जो मोर्चा चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, ये बात की भी सुगबुगाहट आ रही है कि ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन से हटते हुए राजनीतिक आंदोलन में बदल रहा है? नहीं, राजनीति कौन नहीं है, राजनीति जिन्हें हमने वोट दी राजनीति वही नहीं कर रहे, किसान क्या राजनीति कर रहे? जब कोई इलेक्शन है कहीं, या कुछ पर्चे भरे जहाँ लग रहे, या किसी पार्टी का प्रदर्शन है, तो किसान यूनियन का है, किसान संयुक्त मोर्चे का है, तो इसमें राजनीति कह लो या कहीं कह लो, ये इनकी जो इनकी चाल थी, इनकी कोई चाल नहीं, किसानों की इन्होंने जो बेइज्जती कर दी, किसानों का जो इन्होंने अपमान करा, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी,
आंदोलन जीवी परजीवी मलानी पता नहीं मोहाली क्या है वो मवाली, मवाली। तो एक तो बताओ हम यही सुनने को है, हम तो बहुत कुछ है, हम इस देश के अन्नदाता है, हम तो कोई निर्णय आसानी ले रहे खतरनाक है भाई। अगर कल को ये हाईवे हमारे खेतों में गुजार रहे, इनके साथ में हम छेड़छाड़ करने लगे, बिजली की लाइन हमारे खेतों में गुजार रही, क्या होगा क्या होगा? हम नु कह रहे ये नाश ना करो, इस देश का नाश ना करो, हमने ये देश बहुत उस है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ादी दिलवाई और हम अच्छे इंसान की तरह से बात कर रहे, ये भी अच्छे शासक की तरह से बात करो, अच्छे शासक की तरह से बात करो, या ना कि ये किसी पार्टी के उस तक। बातचीत सही होनी चाह और आज किसान आमने सामने बैठ कर बात करेगा, कोई वो नहीं है ये कभी कह दे भाई हम 5 मिनट की दूरी तक दूरी पे है, फोन कॉल सबका फोन नंबर है, और जो अच्छे इस पार्टी में अच्छे आदमी है, जो राजनाथ जी है, सतपाल बालियान जी है, सतपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल है, तो बहुत ही आदमी है इस पार्टी में, मैं तो लको लिया उन्होंने, मैं तो पता नहीं कहाँ छुपा लिए, हम लोग है बातचीत करो ढंग से करो, मजाक ना करो, ना अपने मजाक करो ना हमारे करो, सबसे पहले तो इज्जत तो बात होगी, नहीं तो इनके साथ में हम बड़ा सख्त निर्णय लेंगे, जैसा हरियाणा में ले रखा हमने तो यूपी छोड़ ही रखी, कोई भाजपा का विधायक है एमपी है उन्हें छेड़छाड़ नहीं करते, चलो ठीक है भाई, अगर ये नहीं हुआ तो हम ये भी करेंगे काम। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद नई रणनीतियों की दस्तक शुरू हुई, सभी किसानों ने अब राज्य स्तर पर किसान आंदोलन को बढ़ाने की योजना बनाई। इस महापंचायत ने किसानों के हर दल और हर राज्य में एक अलग छाप छोड़ी, जिसके चलते ये आंदोलन आगे क्या नया रूप लेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।